गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी ईट फूड, हम फूड क्यों खाते हैं, भोजन क्यों करते हैं। आंसर, we eat food to survive and get energy. survive means जिंदा रहने के लिए, and get energy लेने के लिए, जिससे कि हम अपने काम कर सकें, सभी काम कर सकें। तो हम फूड जो खाते हैं वो जीवित रहने के लिए और एनर्जी लेने के लिए। ओके, सो आंसर, we eat food to survive and get energy. ओके, नाउ नेक्स्ट एज, व्हाट आर थ्री क्लासेज ऑफ फूड। फूड की थ्री टाइप्स का होता है, उसके उसको हम तीन ग्रुप्स में रखते हैं फूड को। ओके, क्लासेज ऑफ फूड, नंबर वन, डेट इज एनर्जी गिविंग फूड, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ऐसे फूड जैसे कि पोटैटो, राइस, व्हीट, शुगर, तो ये जो हैं हमें एनर्जी देते हैं। नंबर टू इज बॉडी बिल्डिंग फूड, इसमें पल्सेस, ग्राम, एग, मिल्क आते हैं, जिनको प्रोटीन फूड भी कहते हैं, जिसमें प्रोटीन होता है। सो नंबर टू बॉडी बिल्डिंग फूड। एंड नंबर थ्री इज प्रोटेक्टिव फूड, जिसमें कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आते हैं। ओके, सो दीज आर दी थ्री कैटेगरीज ऑफ फूड। तीन ग्रुप्स में फूड को डिवाइड किया है, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड वी टेक, हमें किस तरह का फूड लेना चाहिए। सो आंसर इज, वी शुड टेक बैलेंस्ड मील एवरी डे, हमें प्रतिदिन बैलेंस्ड मील लेना चाहिए, संतुलित आहार करना चाहिए। अब ये बैलेंस्ड मील क्या होता है, ये हम क्वेश्चन 4 में पढ़ेंगे। व्हाट इज ए बैलेंस्ड मील या डाइट, डाइट एंड मील, मील एंड डाइट आर सेम, यानी भोजन, आहार, संतुलित आहार और भोजन। ठीक है, तो बैलेंस्ड डाइट क्या होते हैं, आंसर इज ए मील, ऐसा भोजन कंटेनिंग ऑल थ्री क्लासेज ऑफ फूड, जिसमें तीनों टाइप का फूड होता है, थ्री क्लासेज ऑफ फूड, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, Why is milk necessary for our body? Milk हमारे लिए क्यों आवश्यक है हमारी body में। Answer, milk is complete food. Milk को पूर्ण आहार कहा जाता है, जो कि good for health के लिए अच्छा होता है, so it is necessary for our body. Okay? Next is fill in the blanks. Number one, we need food to survive. सर्वाइव कहते हैं जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, एंड ग्रो, बड़े होने के लिए। फूड हम जो है सर्वाइव होने के लिए और ग्रो होने के लिए, ये आप क्वेश्चन में का आंसर भी लिख सकते हैं कि हमें फूड क्यों चाहिए, वी नीड फूड टू सर्वाइव एंड ग्रो। नंबर टू, नॉन वेजिटेरियन यानी जो मीट खाते हैं, ऐसे लोग, नॉन वेजिटेरियन पीपल ईट फिश, एग एंड मीट। ओके, नंबर थ्री, वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, या तो हम प्लांट्स एंड लेते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, दाल, सब्जियाँ, फल, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से, और एनिमल्स से क्या मिलता है, मिल्क। तो हमें फूड जो है अपना या तो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। नंबर फोर, वी मस्ट ड्रिंक फ्रेश एंड क्लीन वाटर, फ्रेश ताज़ा और क्लीन साफ पानी पीना चाहिए। नंबर फाइव, मिल्क इज ए कम्प्लीट फूड, मिल्क एक पूर्ण आहार है, पूर्ण भोजन है। नाउ ट्रू फॉल्स, यानी सही और गलत। नंबर वन, ऑल ऑफ अस नीड फूड टू लीव, हम सभी को रहने के लिए फूड चाहिए, रहने के लिए, लीव मीन्स रहना, रहने के लिए फूड नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए, होम। सो इट इज़ फॉल्स, वी शुड ईट स्टेल फूड, स्टेल मीन्स बासी, हमें बासी भोजन खाना चाहिए हमेशा, इट इज़ फॉल्स। फूड गिव्स अस लाइट, फूड हमें लाइट देता है, लाइट कौन देता है, लाइट तो
बल्ब या ट्यूबलाइट जिससे मिलते हैं, फूड से लाइट नहीं मिलती है, सो इट इज़ फॉल्स। नंबर फोर, वी मस्ट टेक अवर फूड एट राइट टाइम, हमें अपना फूड सही समय पे राइट टाइम लेना चाहिए, सुबह टाइम पे ब्रेकफास्ट, फिर दोपहर में लंच और रात को डिनर, सो इट इज़ ट्रू। ओके सो नाउ टुडे वी हैव एक्सप्लेन्ड एक्सरसाइज वर्क ऑफ चैप्टर फोर, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी। ओके थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।